हमारे सेफ साहब जो हैं कॉर्न कैप्सिकम मसाला बनाने जा रहे हैं, उसी की रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए फ्राई पैन चढ़ाया, थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए डाला, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हल्का सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन बारीक चॉप, और इसको हल्का सा भूनेंगे धीमी आंच में। लहसुन हल्का ब्राउन होना चाहिए जिससे इसका की टेस्ट आता है। हल्का सा प्याज ऐड किया। ये देखिए अभी ये कैप्सिकम लाल पीला हरा सभी प्रकार के, जो कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब इसको हम हल्का भूनेंगे धीमी आंच में। अब जो कि पूरी तरीके भून चुका है, अब इसमें हम कॉर्न ऐड करेंगे। देखिए कॉर्न ऐड कर दिया है अब हमने। अब इसमें हम थोड़ा सा टमाटर ऐड करेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, हल्का सा हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, बस। अब इसमें ढक्कन लगा के हम धीमी आंच में इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए अब हम इसको जो है जो पूरी तरह से पक चुका है, अब इसमें तो जो हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, हल्का धनिया पाउडर, लाल मिर्चा हल्का, थोड़ा सा किचन किंग गरम मसाला हल्का सा, बस। हल्का सा टमाटो सॉस थोड़ी सी मिठास के लिए, हल्का सा बटर, हरी धनिया, हल्का सा टमाटो ग्रेवी, हल्की सी वेज ग्रेवी। टमाटो ग्रेवी और वेज ग्रेवी बनाने की रेसिपी हम आपको बाद में शेयर करेंगे, जो कि हमारे होटल का प्रमुख ग्रेवी है। अब कॉर्न कैप्सिकम हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना सुनहरा कलर है, बहुत बढ़िया, जो कि जोमेटो का ऑर्डर है। ये देखिए किस तरह से हम पैक किया जाता है, बहुत बढ़िया।